हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा था कि बाहर ना थोड़ी सी टाइट सिक्योरिटी थी। नहीं मैं यूट्यूबर हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हार्ट टू ब्लॉग्स। भाई की हाल से सभी के? मैं धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सरकारी दफ्तर में आ चुके हैं। मेरे साथ अनुराग है और हम आ गए हैं कहाँ पे? नागपुर महानगर पालिका। भाई एक बड़ी चीज़ होने वाली है, मतलब जो भी हमने इवेंट्स किए ना उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हुआ है कि हमें बुलाया गया है फेलिसिटेशन के लिए। रोटरी क्लब पीसी की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। ये भी हमारे साथ, अब बोलना मत मैंने ब्लॉग में नहीं लिया। हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा था कि बाहर ना थोड़ी सी टाइट सिक्योरिटी थी। आई डोंट नो कौन आने वाला है, शायद से कमिश्नर सर या डेप्यूटी कमिश्नर, ऐसा समर कोई आने वाला है। भाई बहुत सारे लोग हैं यार, मजाक से हटके थोड़ी पार्लियामेंट वाली फील आ रही है। मजाक नहीं भाई, वो पार्लियामेंट में ऐसे ही ठोकते ना, ऐसे वैसे वाली फील आ रही है अपन को। अब वो अंकल मेरे पास ऐसे देख रहे कहीं मेरे को बाहर ना निकाल दे। तो भाई यार अभी सीन ये है ना कि हमारा जो मेन फेलिसिटेशन था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर मतलब भाई थोड़े सरकारी दफ्तर में आए थे हम, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादा। ये सारे पीसी वाले नीचे वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, तो इस बार भी पीसी का क्राउड सबसे ज़्यादा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई, पीसी का सिस्टम है। स्तवन ब्रो, जय श्री राम। भाई यार हमने काम भी कर दिया और हमको खाने को भी मिल गया। रोटरैक में आओ, काम करो, खाओ पियो, मौज करो। उसको प्रायोरिटीज बोलते हैं, भुक्कड़ नहीं बोलते। इवेंट तो होते रहेंगे भाई, खाना खाते रहो। इतने चिरकुटे आपके? क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अपने लोग चिरकुटे बोलते हैं। कैसा है, हम बोलते नहीं, वो जो दिखता है वो दिखता है। इट इज व्हाट इट इज। ऑर्फनेज जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड कर दिया। हां हो ही रहा है तब से। कितने गंदी फुटेज डाली तूने मेरे ब्लॉग में। मैंने क्या किया भाई, जो आ शक्ल जैसे। ठीक है तो यार भाई ये हमें मिला है एनएमसी की तरफ से, जितने भी रोटरैक वाले हैं सबको एक ही मिला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई कि पीसी वालों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें। पीसी पीसी है, वी रूल द स्टेज। इट इज व्हाट इट इज गाइस, इट इज व्हाट इट इज। ये पीसी वाला ही है भाई। तो भाई यार हमने जो फेलिसिटेशन वगैरह लेने था ना वो ले लिया है, और मैंने ज़्यादा यहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि मतलब थोड़ा सरकारी काम रहता है और वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत थे, तो एकदम बीच में आना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना हो सका भाई हमने शूट किया, हमें एक मोमेंटो टाइप मिला है, सबको सर्टिफिकेट्स भी मिलने वाले हैं। और मैंने जो यहाँ के रीजनल ऑफिसर थे ना उनसे भी बात की, तो और भी कुछ चीज़ें आने वाली है। तो भाई स्तवन है हमारे साथ, हमें स्नैक्स भी मिले यहाँ पर। मेरे पास दो डब्बे थे भाई स्नैक्स के, दोनों में से मिठाई चोरी हो गई। एक मैंने लिया एक इसने ली, तो भाई ऐसा सब रहता है। चटनी अच्छी थी इमली की, नाइस। हल्दी राम की थी। तो भाई निकलते हैं अभी और बाकी रूम पे जाके काम करते हैं, कल कॉलेज भी है। 2000 years later. तो यार भाई अभी NMC के तो राउंड काट के हम वापस आ गए और यहाँ पर पीछे चल रही है IEEE की मीटिंग। मतलब भाई आने वाले टाइम में जो जो करना है ना वही हम डिस्कस कर रहे थे, और मैं अभी खाना खा रहा था इसलिए मैं ये साइड बैठा हूँ, यहाँ पर टेबल में रख के मैं खाना खा रहा था। खाना वाना हो चुका है और यार मीटिंग भी ऑलमोस्ट वही डिस्कस कर रहे थे क्या हमें करना है। अब इवेंट्स करने पड़ते हैं भाई, ऐसी सारी जगह पर रहते हैं हम। तो यार अभी ये मीटिंग वगैरह सब हमारी ख़त्म हो गई है, और मैं ये बोल रहा था कि भाई कल ना मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा सडन मैसेज आया कि यार एक शुरू क्या कर रहे हो तुम भाई। मतलब हमने ऐसा इंस्टाग्राम पे डाला और थोड़ा मैं शेयर भी किया था कि हम ये शुरू कर रहे हैं एप्टीट्यूड वाले जो हमारी सीरीज थी ना, तो हमने यार वो शुरू कर दी थी। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब आ गया हमारा वीडियो। हाँ तो ये वाला जो हमारा वीडियो है ना, क्वान्टिटी टू एप्टीट्यूड फॉर प्लेसमेंट। तो बेसिकली हम एप्टीट्यूड फॉर प्लेसमेंट वगैरह जो भी प्लेसमेंट के लिए चीज़ें लगती है वो उसमें सीख रहे होंगे, एंड ये हमने सडनली लॉन्च किया। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार ये क्या करते हो तुमने, 100 days से ट्विस्ट ऑन टर्न हो गई तुम यहाँ आ गए। तो भाई ये बहुत डिमांडेड चीज़ थी, मतलब मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था कि एप्टीट्यूड के ऊपर या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड हमें कुछ सीखना है। एंड टीचर्स का भी आया था भाई, मजाक नहीं कर रहा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड आया था कि अगर तुम ये कर रहे हो तो ऐसा करके देखो, शायद इससे तुम्हें और भी ज़्यादा एंगेजमेंट मिले और भी ज़्यादा लोग तुम्हारी वीडियो देखें, क्योंकि ये एक्चुअल नीड है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि कैसा क्या करना है। अब भाई थोड़ा थोड़ा तुम भी सीखो और लोगों को भी सीखाओ, सबका साथ सबका विकास। तो बस यही हमने शुरू किया है,
और ये वीडियो मैं सोच रहा कि अल्टरनेट या फिर दो दिन के गैप में अपलोड करूँ ताकि कंसिस्टेंसी भी हमारी मेंटेन रहे। बाकी कुछ वीडियोस तो मैंने बना रखे हैं। और भाई इससे रिलेटेड एक चीज़ मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है, अब वो एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एंड बहुत काम की चीज़ है वैसे, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब समझ गया होगा जो लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कुछ लोगों का डाउट आया था कि भाई वो जो ब्लॉग वॉग तुमने डाला है वो क्या है, मतलब वेबसाइट बनाई है कि क्या है। यार वेबसाइट बनाने के लिए ऑनेस्टली बताओ ना बहुत टाइम लगता है, और वेब डेवलपमेंट मतलब उतना हमें कुछ आते नहीं क्योंकि उसमें हमने उतना काम ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लॉगर को। तो यार ये रहा हमारा ब्लॉग है, इसे हम ओपन करते तो जिस तरह का ये दिखेगा, मतलब लोड होंगे तो हाँ, तो जिस तरह का ये दिखेगा। इसमें अभी एक ही पोस्ट मैंने डाली है, अक्टूबर 1 को मैंने स्टार्ट किया था, एंड धीरे धीरे करके हम इसमें और सारी चीज़ें भी डाल रहे होंगे। एंड यार अगर आपको PDF डाउनलोड करना है ना तो यहाँ पे रीड मोर पे जाना है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ से यार जो क्लिक किया दिख रहा है ना, आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ड्राइव की लिंक डाली है। तो भाई ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं हमारे लाइफ में। और कल से कॉलेज है हमारा रेगुलर, वहाँ पे भी हमें जाना पड़ेगा, रेगुलर कॉलेज करेंगे, फिर हमारी कैट एग्जाम बैंगी। बाकी यार आज वैसे हम NMC में गए थे, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वहाँ काफ़ी अच्छा लगा, मतलब वो लोगों ने सम्मान किया हमारा एंड बहुत अच्छा था। वो लोगों ने स्पेशली हर जोन में से ना एक एक वो क्लीनर्स रहते ना, स्वीपर्स जो रहते उनको भी बुलाया था, मैंने उनका भी सम्मान किया, शॉल वगैरह सब दे के, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे भाई, मज़ा आती है वैसे उसमें। और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्राउड PC का था, तो भाई PC ऑन टॉप, हमेशा टॉप पे था और टॉप पे रहना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा भाई, ऐसे सारे इवेंट्स में जितने भी जगह जाता हूँ ना मैं, PC सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो मानो या ना मानो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और जो नई दिख रही है वो एट द बैक ऑफ कैमरा चल रही है, मतलब याद चीज़ें जो दिख रही है ना, या 5 दिख रही होंगी या पीछे 10 चीज़ें चल रही है, एक एक करके हम उसे रिवील कर रहे होंगे जैसे जैसे वो थोड़ी बड़े लेवल पर जाएंगी तब। ऐसा छोटे लेवल पर रिवील करने में मज़ा नहीं आता। तो भाई ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है। एंड क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए थे, एक बंदे का मैसेज आया था, क्वेश्चंस हम मतलब एक बुक है वहाँ से भी मैं निकाल रहा हूँ और कुछ गूगल से भी निकाल रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भाई पढ़ो। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई बुक और पेन लेके पढ़ो तभी उसका कुछ फ़ायदा होगा, और एल्स ऐसी अगर पढ़ोगे तो आज ध्यान में रहेगा बाद में तुम निकाल लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बस अभी ये करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल लिखना है हमें। तो यार दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी यार NMC नागपुर थैंक यू सो मच, हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। एंड काफ़ी अच्छा लगा भाई सारे लोगों से मिलकर, बहुत मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, जय श्री राम।